नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तक दर्जनों बदमाश ढेर हो चुके हैं। यूपी में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से गाज गिराई जा रही है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के माफिया मुक्त प्रदेश के दावों के बीच पूरब से पश्चिम तक माफियाओं पर एक्शन हो रहा है। बाहुबलियों के करीबियों तक कार्रवाई हो रही है। ऐसे में जब मुख्तार का रसूख धुआं धुआं हो रहा है, तो उसके करीबियों पर लखनऊ से लेकर हर जगह एक्शन हो रहे हैं। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर पर कार्रवाई हो रही है। एफआई अस्पताल में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासन और एलडीए की टीम ने हथौड़ा और बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद के एफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ में बर्लिंगटन चौराहे पर स्थित इस अस्पताल को अवैध घोषित कर दिया है और सील कर दिया गया था। शुक्रवार सुबह से ही एलडीए के अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंच चुके थे। इसके बाद इसे तोड़ने का काम शुरू हो गया था। एलडीए का कहना है कि ये अस्पताल मानकों के विपरीत बनाया गया है। इस अस्पताल के बगल में ही एफआई टावर है, जो इसी बिल्डर ने बनाया है। इसे भी इसी तरह गिराया जाना है। मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर शोएब इकबाल, मोनिस इकबाल, सिराज अहमद और माइकल के खिलाफ कैसरबाग में एफआईआर दर्ज है। इनमें से मोनिस को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन सिराज और माइल को अभी पुलिस खोज रही है।